प्रेतात्मा खतरनाक बहुत शक्तिशाली है। किस बात का बड़ा फायदा हुआ प्रभास की फिल्म को? कैसी थी प्रभास और श्रद्धा की जोड़ी? किस चीज की कमी थी साहू में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। किसी फिल्म में बाहुबली का हीरो हो और जिसका बजट 350 करोड़ हो तो उससे एक धमाकेदार मनोरंजन की उम्मीद करना तो गलत नहीं है। वही उम्मीद दर्शकों ने प्रभास की 2019 में आई फिल्म साहो जैसी भव्य बजट वाली एक्शन ड्रामा से की थी। मगर वो कहावत है ना कि हर दिन दिवाली नहीं होती, वाकई प्रभास की हर फिल्म बाहुबली नहीं हो सकती। मगर प्रभास का बॉलीवुड डेब्यू इतनी कंफ्यूजिंग कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले के साथ होगा, इसकी उम्मीद भी शायद ही किसी ने की थी। आइए जानते हैं फिल्म को लेकर हमारे व्यूज। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म ने बेशक ही कई रिकॉर्ड्स तोड़े और चूंकि उस समय किसी त्योहार की छुट्टियां थी तो फिल्म ने बेशक ही ओपनिंग वीकेंड में कमाल का प्रदर्शन किया हो और अच्छी खासी कमाई कर ली हो, पर प्रभास के फैंस जरूर ही फिल्म से निराश हुए होंगे। फिल्म की कहानी बहुत उलझी हुई है। बस इतना समझ लीजिए कि कहानी दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सिंडिकेट अपराध माफिया की राइवलरी पर आधारित है, जहां रॉय ग्रुप का चीफ यानी कि जैकी श्रॉफ साजिश के तहत मार दिया जाता है और चंकी पांडे का किरदार खुद को उसकी गद्दी का वारिस घोषित कर देता है। सत्ता की इस लड़ाई में एक तरफ अरुण विजय और मंदिरा बेदी की पार्टी है तो दूसरी तरफ चंकी पांडे, महेश मांजरेकर, लाल और टीनू आनंद की पार्टी है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसकी हौश पौश कहानी, जिसको समझने के चक्कर में आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। हालांकि हैरत अंगेज एक्शन दृश्य फिल्म का प्लस पॉइंट है, जो कि आपकी सांसें तेज करने के लिए काफी है। साहो बड़े बजट की फिल्म थी जिसको लेकर लगातार प्रमोशन किया गया था। क्योंकि फिल्म की कहानी दमदार नहीं है, इसलिए जो प्रभास को देखना चाहते हैं वो ही इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो इसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही दर्शक अगर स्पेशल इफेक्ट्स और एक्शन देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये फिल्म में है, लेकिन ये भी टुकड़ों में ही देखने को मिलेगा। फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट एक गैंग काम करती है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि ये गैंग क्यों है और कहां से आई है। इसको लेकर कोई बैकग्राउंड नजर नहीं आता। अभिनय की बात करें तो प्रभास में स्वैग है, वो स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं और रोल भी अच्छा निभाया है, लेकिन कोई स्टार बिना कंटेंट के फिल्म में नहीं चल सकता। श्रद्धा कपूर ने फिल्म में ग्लैमर देने का काम बखूबी किया है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी एक्टर्स मुरली शर्मा, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे और नील नितिन मुकेश ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्रभास पर्दे पर कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं, हालांकि अपने डायलॉग डिलीवरी में वो कमतर साबित हुए। एक्शन दृश्यों में वो जरूर जचते हैं, मगर इतने ग्रैंड तरीके से प्रमोट किए गए हीरोइक किरदार में वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। फिल्म में उनका बाहुबली चार्म नदारद है। श्रद्धा कपूर खूबसूरत जरूर लगती हैं, मगर उनके किरदार को सही रूप से विकसित नहीं किया गया। प्रभास और श्रद्धा के बीच केमिस्ट्री का भी अभाव साफ दिखाई देता है। विलन्स की फौज में जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी और चंकी पांडे ने अच्छा काम किया है। डेविड के रोल में मुरली शर्मा याद रहने लायक हैं, मगर महेश मांजरेकर, टीनू आनंद और एवलिन शर्मा को वेस्ट कर दिया गया है। संगीत के मामले में तनिष्क बागची के संगीत से सजा साइको सैया काफी हिट हुआ। इसी फिल्म का गुरु रंधावा का गाना एनी सोनी भी काफी दर्शकों को पसंद आया। अब बात साहो चैप्टर 2 यानी कि इसके सीक्वल की करते हैं तो फिल्म के लिए प्रभास को साइन कर लिया गया है, जबकि लीड एक्ट्रेस के रोल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, दरअसल श्रद्धा कपूर फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाली है, उनकी जगह मेकर्स ने काजल अग्रवाल को लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रभास और काजल की जोड़ी साउथ इंडस्ट्री में काफी मशहूर है और उन्होंने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं। वहीं कुछ समय पहले तक इनके रिलेशनशिप में होने की भी खबर आ रही थी, हालांकि गौतम से शादी कर काजल ने इन अफवाहों पर रोक लगा दी। खैर, बात फिल्म की करें तो इसे सुजीत ही निर्देशित करेंगे। फिल्म को तेलुगु और हिंदी में साथ साथ शूट किया जाएगा, जबकि बाकी कई और भाषाओं में इसे डब करके रिलीज किया जाएगा।
फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर में शुरू की जाएगी और अप्रैल 2022 तक रिलीज हो सकती है। आपको ये वीडियो और फिल्म को लेकर हमारे विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग।